हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे एक नया टेक वीडियो में। फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना का लेके काफ़ी सारा कमेंट मेरे पास आया है। नेगेटिव कमेंट भी है और उसी के साथ पॉजिटिव कमेंट भी है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे तरह तरह का सिस्टम दिया हुआ है, जैसा आप बेनिफिशरी सर्च कर सकते हैं या असेसमेंट आईडी आप निकाल सकते हैं। तो बहुत तरह का वीडियो भी मैंने बनाए हैं, जैसे असेसमेंट आईडी या बेनिफिशरी आईडी या किस तरह से आपने अप्लाई किए हैं, किस तरह से सर्च कर सकते हैं, किस तरह से ट्रैक कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन को। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है, मतलब आपका स्टेटस शो हो रहा है वेबसाइट के अंदर, या बेनिफिशियरी आईडी शो हो रहा है, या आपका सेंशन हो गया है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का होम, तो आप क्या करिएगा और आप अपना नजदीकी इलाका के अंदर ही आप वो प्रोसेस करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कहां पर जाना होगा और आप अपना घर के नियरेस्ट कहाँ पे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपने अप्लाई किए हैं कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए, वहाँ पे और जो फॉर्मेलिटीज़ है उसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं आपका नज़दीकी, तो मैं फुल डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरह का ही टेक वीडियो डेली आप लोगों को लाता हूँ जो आपका काम पे है। अगर फ्रेंड्स आपने ऑनलाइन अप्लाई किए थे, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद अभी वो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वेबसाइट के अंदर बेनिफिशियरी आईडी या असेसमेंट आईडी वगैरह शो हो रहा है, तो उस समय में सबसे पहले जो आपको करना होगा, पूरा आपका डॉक्यूमेंट, मतलब जहाँ पे आप अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं वो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेके अपना नियरेस्ट जो कॉरपोरेशन है उस कॉरपोरेशन में आपको जाके मीट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, बहुत सारा कमेंट मेरे पास आता है कि मेरा असेसमेंट आईडी शो हो रहा है और मेरा बेनिफिशियरी आईडी शो हो रहा है, तो अभी हमको क्या करना होगा। तो बहुत ही डेडिकेटेड वीडियो है ये वाला, तो मैंने इतना दिन से रिसर्च किया उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ऐसे तो मैं नहीं बता सकता आप लोगों को। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च के बाद हमको पता चला है जिस तरह से, तो यहाँ पे जो प्रोसेस जो होगा, यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री आवास योजना जो कंस्ट्रक्शन आपने शुरू करिएगा या पार्ट बाय पार्ट जो अमाउंट आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो उसके लिए पूरा फॉर्मेलिटीज़ देखता है आपका कॉरपोरेशन। तो आपका जो नियरेस्ट कॉरपोरेशन है, मतलब आप जिस कॉरपोरेशन के अंडर में रहते हैं, मतलब जो आपका वार्ड नंबर है या जो आपका इलाका है, उस हिसाब से आपका जो नियरेस्ट कॉरपोरेशन है वहाँ पे जाके आपको कांटेक्ट करना होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जहाँ पे सर्च बेनिफिशियरी शो होता है वहाँ पे अगर आप आधार नंबर देते हैं तो वहाँ पे सारा डिटेल्स वहाँ पे शो हो जाता है, बेनिफिशियरी आईडी, असेसमेंट आईडी, कब सेंशन हुआ है, तो वहाँ पे नाम वगैरह पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाता है। तो उसके वो सारा वो वाला डॉक्यूमेंट्स को लेके आपको जाना होगा आपका नियरेस्ट कॉरपोरेशन, वहाँ पे जाके अगर प्रधानमंत्री आवास योजना ये जो सरकारी स्कीम है घर बनाने का, मतलब सरकार की तरफ से घर बना दिया जाएगा, तो उसका जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट में जाके आपको बात करना होगा और जो पेपर आपने प्रिंट आउट की थी, मतलब ऐसे बेनिफिशियरी सर्च जब करते हैं, अगर आप वेबसाइट में जाके बेनिफिशियरी सर्च करते हैं तो वहाँ पे आपका सारा डिटेल्स निकल जाता है, वो वाला पेपर को आपको प्रिंट आउट लेना है और जाना है अपना कॉरपोरेशन ऑफिस। तो वहाँ पे आवास योजना डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे जाके आपको वो पेपर सबमिट कराना है, तब ऑफिसर समझ जाएगा कि आपका नाम में घर सेंशन हो गया है। जब वो चीज़ देखेगा कि आपका नाम में ऑलरेडी सेंशन हो चुका है, तो वहाँ पे जो प्रोसीड्योर है, मतलब आपका एक बैंक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट आपको जमा करना पड़ेगा आपका कॉरपोरेशन ऑफिस में, वहाँ पे उसी बैंक के अंदर आपका पेमेंट आएगा पार्ट बाय पार्ट, और उसी पेमेंट को लेके आपको काम एक स्टेप वन स्टेप टू जिस तरह का सिस्टम है, जैसा पहले हो गया आपका जो नीचे का जो अंडर नीचे का जो कंस्ट्रक्शन है वो वाला आपको पहले करना होगा, उसके बाद जो विंडो लेवल जो है विंडो लेवल आपको कंप्लीट करना होगा, उसके बाद जो लिंटोल लेवल है उसको करना पड़ेगा, उसके बाद जब आपका छत है वो छत लेवल आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, पार्ट बाई फोटो भी आपको जमा करना होगा आपका कॉरपोरेशन ऑफिस के अंदर। तो इस तरह का सिस्टम होता है, इस तरह का फॉर्मेलिटीज़ होता है, ऐसे आपने ऑनलाइन में अप्लाई करके बैठे रहिएगा ऐसे नहीं होगा, आपको मीट करना होगा आपका कॉरपोरेशन ऑफिस में, तभी आप अपना कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं एंड जल्द से जल्द कंप्लीट भी कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो कंटेंट मैंने पहले भी बनाए थे, बहुत सारा कंटेंट हमने बनाए थे, बेनिफिशियरी आईडी आप कैसे निकालिएगा, कैसे सर्च करना है, आपका एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है, तो सारा वीडियो मैंने बनाए थे, वहाँ पे काफ़ी सारा कमेंट आया, बट हमको रिसर्च करना होगा तभी मैं आप लोगों को बता सकूँ। एक्चुअली मैं नहीं जानता हूँ तो
किस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरा थोड़ा टाइम लग गया, बट मैं एग्जैक्ट जो आपको करना होगा एग्जैक्ट मैं वही आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा मैंने रिसर्च की, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग देखे होंगे मेरा पहले वाला वीडियो, पहले जो सारा वीडियो मैंने डाले थे, तो वहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज वहाँ पे दिखाया गया था किस तरह से ट्रैक करिएगा, असेसमेंट आईडी कैसे क्या होता है, या असेसमेंट आईडी लेके आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं आपका एप्लीकेशन को, तो सारा डिटेल्स अलग हो गया है। तो आपने अप्लाई कर दी है, अभी आपको कंस्ट्रक्शन शुरू करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले आपको कॉन्टैक्ट करना होगा आपका कॉर्पोरेशन ऑफिस में। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बनाया था कि आपका स्टेट का जो ऑफिस है, प्रधानमंत्री आवास योजना रिलेटेड जो ऑफिस है, वो ऑफिस का एड्रेस आप कैसे निकालिएगा, फ़ोन नंबर कैसे निकालिएगा, मैंने वो वीडियो भी मैंने डाल दिए है मेरे चैनल के अंदर। तो ये जो सिस्टम मैंने आज आप लोगों को बताया हूँ, ये सिस्टम आप एक बार करके देखिए, आपका एप्लीकेशन अप्रूव भी हो जाएगा और उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर सकते हैं और जल्द से जल्द आपका जो कंस्ट्रक्शन है उसको आप कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर हमको कमेंट करके बताइएगा। चैनल में अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन के साथ, उसी के साथ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम नॉट ट्रेडिंग वीडियो। सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं।